तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे CUET UG का जो करेक्शन विंडोज़ है क्या कर दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया, यानी कि आप लोग को जो भी छात्र एवं छात्राओं ने CUET UG 2024 के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनको अगर फॉर्म में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई त्रुटि हो या कुछ गलतियाँ हो गई हो, उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग सुधार कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को करेक्शन विंडो CUET यानी कि NTA CUET UG ने आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं करेक्शन विंडोज़ में आप लोग लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके पूरी डिटेल्स यहां पे आप लोग को दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को यहां पे करेक्शन विंडोज़ में लॉगिन करने के लिए आप लोग को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो बनाया है वो, और नीचे आप लोग को एक कैप्चा देखने को मिल जाएगा, उसको आप लोग डालकर क्या करेंगे, सिंपल लॉगिन कर जाएंगे। तो वहाँ पे आप लोग करेक्शन का विंडोज़, वहाँ पे जो भी आप लोगों का गलतियाँ होगा उसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और बताते चले आप लोगों को साथ ही कि आप लोगों जो करेक्शन विंडोज़ का लिंक है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे इसको करेक्शन करना है और कैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो इसके पूरे डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह CUET UG का करेक्शन विंडोज़ का लिंक कहाँ देखने को मिल जाएगा, यह लिंक आप लोगों को डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग इजीली जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वैसे इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आने के बाद अब आप लोग क्या करना होगा, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, यानी कि एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, जो भी आप लोग का एप्लीकेशन नंबर रहेगा यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया था लेकिन ले नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों का क्या क्या यहाँ पे डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल कर आता हूँ, यहाँ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, कॉपी पेस्ट देखते हैं इसमें कॉपी पेस्ट होता है या नहीं, नहीं हो रहा है। चलो मैं आप लोगों को डाल कर दिखाता हूँ। चलो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, पासवर्ड, आप लोगों ने जो भी पासवर्ड यहाँ पर बनाए होंगे तो पासवर्ड सिंपल आप लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे फिल हो रहा है, फिल होने के बाद अब आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे वाला जो कैप्चा है इसमें फिल करेंगे, कितना है 020716। उसके बाद आप लोग क्या करना होगा, सिंपल लॉगिन कर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर अगर लग रहा है कि आप लोग पासवर्ड भूल गए होंगे तो क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर फॉरगेट वाले पासवर्ड पर देख सकते हैं नो सच एप्लीकेशन ऑन नो और पासवर्ड, तो क्या करेंगे हम लोग, आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो पासवर्ड भूले होंगे तो आपको क्या करना होगा, फॉरगेट वाले पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, जैसे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर इस तरह के इंटरफेस खुलेगा। चलिए फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं आप लोग को देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है आप लोग को, पेज नॉट फाउंड, यानी कि आप लोग को थोड़ा सा सर्वर डाउन हुआ होगा। यहाँ पर फिर से कोशिश करते हैं, यहाँ पर चलिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एरर ही आ रहा था। अभी तक तो आप लोगों का सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा होगा क्योंकि आप लोग देर रात को करेक्शन विंडोज़ ओपन हुआ है। तो चलिए आप लोग अपना करेक्शन कर लीजिएगा लॉगिन करके, उसके बाद मैं आप लोग क्या करूँगा, मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट। अगर आप लोग की यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।